देश और दुनिया के राम भक्तों का वर्षों का इंतजार आखिरकार पूरा हो चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसी के साथ 500 वर्षों का लंबा इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद प्रभु श्री राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं। मैं गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है और शरीर स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का यह सूर्य अद्भुत आभा लेकर आया है। यह कैलेंडर पर लिखी कोई तारीख नहीं, बल्कि एक नए कालचक्र, एक नए इतिहास, एक नए उद्गम का स्थल है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा। निर्माण कार्य देख देशवासियों, हर दिन नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें भगवान श्री राम का मंदिर मिला है। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धे मंच, सभी संत एवं ऋषिगण यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है।